सिंघू बॉर्डर पर 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण वहां ऑटो चलाने वाले लोग भूखे मरने के कगार पर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के पास ऑटो चलाकर अपना गुजारा करने वाले ऑटो चालकों ने बताया कि वह वहां से अपने ऑटो लेकर थोड़ी दूरी पर आ गए हैं। नरेला के रामदेव चौक पर भी ऑटो लगाते हैं, लेकिन बॉर्डर पूरी तरह बंद होने के कारण कोई सवारी यहाँ नहीं आती। कुछ दिन तो ऐसे भी होते हैं जिस दिन उन्हें एक भी सवारी नहीं मिलती और उन्हें खाली हाथ घर जाना पड़ता है। अब वह इतने गुस्से में हैं कि इन आंदोलनकारियों को राक्षस तक कह रहे हैं। इनका कहना है कि उनके रोजगार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वहां पर दूसरी गाड़ियां और दूसरे लोग भी थे, उनके रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, सवारी ढूंढते रहते हैं, पीछे से कोई आता है पैदल बेचारा, उसके पास पैसे नहीं होते, उसको पूछते भैया ऑटो कर ले चलना, वो कहता भाई जो कुछ था पीछे मेरी पूंजी लूट गई, ऑटो वाले ने वहाँ से बस पकड़ी, बालघाट उतरा, बालघाट से टेम्पू किया, फिर बॉर्डर आया, 4 किलोमीटर पैदल चला हूँ, अब तो भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है, आप जो बस का किराया ले लो। फिर हम उसको बोलते भैया आगे 1 किलोमीटर चलेगा तेरे को बस मिल जाए। पहले आदमी खुशी खुशी आता था तो 2 पैसे भी खुशी से दे देता था, अब बंदा दूर से परेशान आ रहा तो हमको क्या देगा। अरे भाई रोजी रोटी के लिए परेशान हो गए हम तो, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना है, हमारे तो मरने वाली दिक्कत हो गई है साहब। ये बॉर्डर बंद होने से तो हम लोग समझ लो कहीं के भी नहीं रहे, ठंड की वजह से समस्या आ रही है। अरे बहुत समस्या सर, रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है, क्या किया जाए। ये लोग किसान लोग आए हुए हैं, किसान नहीं है ये, हैमान है, दुश्मन है ये, ऑटो और दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।